केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में नैनीताल जिले में जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचे, ताकि लोग इस पेयजल योजना का लाभ उठा सकें। वहीं मंत्री अजय भट्ट ने जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की। अजय भट्ट ने कहा कि नैनीताल जिले में 929 करोड़ से ये योजना चल रही है, जिसके तहत 510 पेयजल योजनाएं शामिल हैं। साथ ही हर घर नल हर घर जल के तहत जहां लोगों के घर में नल लगाने का काम किया जा रहा है, वहीं नैनीताल जिले में करीब 1279 स्कूल और 979 आंगनबाड़ी केंद्र को इस योजना से जोड़ते हुए पेयजल किल्लत दूर की गई है। इसके अलावा नैनीताल जिले में 67,000 करीब परिवारों को मुफ्त में पेयजल कनेक्शन दिए गए हैं, जिसका लोग लाभ ले रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया था कि देश के हर परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जो पहले जिसका प्रतिशत बहुत कम था, 20% भी नहीं था, तो आज हमने इतने घरों में कनेक्शन दे दिया है, लगभग 60% लोग आज सेवित हो चुके हैं, इतने परिवारों को कनेक्शन दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में नल और नल में जल, जो मोदी जी ने कहा, बहुत सोच विचार कर